पिज़्ज़ा किसे पसंद नहीं होती, और बच्चों की ये तो फेवरेट डिश में से एक होती है, और साथ ही साथ बड़े भी इसे बड़े चाव से खाते हैं। आज मैं आपके लिए ब्रेड चीज़ी पिज़्ज़ा की रेसिपी को लेके आई हूँ। सब्जियों के साथ साथ मैं इसमें पनीर का भी आज यूज कर रही हूँ, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है ये चीज़ी फिज़ी सा पिज़्ज़ा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड में। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेड चीज़ी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चीज़ क्यूब्स। तो आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ जो बड़ा वाला आता है उसको भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पर्सनली इस क्यूब्स को पसंद करती हूँ, क्योंकि ये एक बार में जितना यूज़ करना है आपको उतना इसको ओपन कीजिए और यूज़ कर लीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो होममेड चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसे ओपन करेंगे और इसे बस हमें या तो आप क्यूब्स में कटिंग कर लें छोटे छोटे पीसेस में, और या फिर आप इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रेट कर ही डालूंगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही आसानी से ये ग्रेट भी हो जाता है। आप अपने पिज़्ज़ा में किस तरीके का चीज़ को डालते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आप इस तरीके से ग्रेट कर डालते हैं या फिर क्यूब्स में छोटे छोटे कटिंग कर डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चीज़ ग्रेट होकर रेडी है। अब इसको हम एक साइड पे रखते हैं, आइए पिज़्ज़ा के नेक्स्ट प्रोसेस को देखते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर सैंडविच वाला ब्रेड लिया है, जो नॉर्मल ब्रेड होता है ना उससे ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मैंने उसी को लिया है और उसके ऊपर मैं बटर लगा रही हूँ। तो बटर आपको अच्छे से लगाना है, इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बटर को। तो यहाँ पर आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, नॉर्मली ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट वाला जो नॉर्मल साइज़ का ब्रेड आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पहले एक साइड मैंने बटर लगा दिया और दूसरे साइड में यहाँ पे मैं चीज़ स्प्रेड का यूज़ कर रही हूँ। तो इस चीज़ स्प्रेड को अच्छे से चारों तरफ ब्रेड में लगा देंगे। आप चाहें तो दोनों साइड बटर को लगा सकते हैं। मैंने बटर को इसके अपोजिट साइड में क्यों लगाया हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने चीज़ स्प्रेड कर दिया है ब्रेड के ऊपर। अब मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास पड़ा था तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो दो चार जितनी आपकी इच्छा चीज़ खाने की उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं सेम ब्रेड को बटर लगाकर ऊपर में रख रही हूँ। अगेन उसके ऊपर क्या करेंगे, एक साइड बटर है उसके अपोजिट साइड में यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस को लगा देंगे। अगर आपके पास होममेड पिज़्ज़ा सॉस है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कोई पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टोमेटो केचप और चिली पाउडर, चिली सॉस, ये सब का आप मिक्सअप करके इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। ऊपर से हम डालेंगे अपने ग्रेट किए हुए चीज़ को, बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करेंगे। जितना आप खाना चाहते हो चीज़ उतना ही स्प्रेड करें, क्योंकि बहुत से लोग को पिज़्ज़ा पसंद तो आती है बट बहुत ज़्यादा चीज़ी सा नहीं पसंद आता। तो आप चाहें तो चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डाइस किए हुए अनियन को। मैं यहाँ पर प्याज का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी बेल पेपर्स आप किसी भी कलर का डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर का डाला है, रेड कलर का डाला है। आप चाहें तो इसमें टमाटो, ब्रोकली, ऑलिव या फिर किसी भी सब्जी का यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जैसा देख रहे होंगे कि हमने ट्राई कलर का पिज़्ज़ा को रेडी किया है। तो अब मैं ऊपर से डालूंगी ग्रेटेड किए हुए चीज़ को, और फिर से हम चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। आप अपनी क्वांटिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ को स्प्रेड करें। ऊपर से मैं पनीर के क्यूब्स डालूंगी। मैं यहाँ पे प्लेन पनीर को रख रही हूँ। आप चाहें तो मसाला कोट कर भी ऊपर से डाल सकते हैं। बीच में मैंने डाल दिया है बेल पेपर्स, चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चिली फ्लेक्स को डालें। अब यहाँ पर मैं डालूंगी ऑरेगेनो। तो ऑरेगेनो से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, पिज़्ज़ा की जान होती है ये, तो आप इसको ज़रूर से डालें। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी मिक्स हर्ब्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं नमक डालूंगी। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब मैं यहाँ पर ब्लैक पेपर का पाउडर डालूंगी। तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ये देखते हुए कि हमने चिली फ्लेक्स भी डाला है तो तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अगर बच्चों को देना है तो कम ही डालें। अब हम यहाँ पर तवा पे इस ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाएंगे।
तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने बटर नीचे क्यों लगाया था, तो ये देखिए हम जब ब्रेड को तवा के ऊपर रखेंगे तो नीचे से क्रंचीनेस आएगा। अब इसे ढक कर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। बहुत ही अच्छे से ये कवर होना चाहिए। तो ये देखिए हमारी पिज़्ज़ा जो है ये बनकर रेडी है। बस इसे निकालें और इसे कट कर दें। तो शेप आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये देखिए चीज़ी फीजी सा पिज़्ज़ा बनकर हमारी रेडी है। आई होप मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। इंजॉय।